हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आज बनाएंगे हरे प्याज की पकौड़े वाली सब्जी बिल्कुल नए तरीके से। मैंने मिक्सी के जार में 2 इंच अदरक डाली हूँ, ढेर सारी लहसुन की कलियाँ, 3 टमाटर डाली हूँ। इन सबको मिक्सी में पीस के मैं प्यूरी बना लूँगी। मैं हाई फ्लेम पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। मैं उसमें सरसों के तेल 4 चम्मच डाली हूँ, 1/2 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता टुकड़ा और उसमें जीरा को तड़कने दी हूँ। 200 ग्राम प्याज की मैं बारीक काट ली थी और इसमें मैं नमक डाल के इसमें मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। अब तब तक हम प्याज भून रहा है, तब तक हम हरे प्याज को बारीक काट लेंगे फ्रेंड्स। और हम प्याज को देखेंगे, हमारा प्याज अभी तैयार नहीं हुआ है। फिर से ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। हमारा प्याज अब देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल जल से तैयार हो गया है। अब हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए रख देंगे। हम जो हरी प्याज काट के रखे हैं उसमें मैंने 100 ग्राम बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला, इन सबको डाल के अच्छे से हम हाथ से मिक्स करेंगे। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। 2 चम्मच जितना पानी डाली हूँ और डाल के हाथ से अच्छे से मसल ली हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से मैं जब गोली कर रही हूँ तो अच्छे से इकट्ठा हो जा रहा है हमारा डो। 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 1 चम्मच में धनिया पाउडर डाली हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। मैं थोड़ी सी 1/2 चम्मच नमक डाली हूँ, आप स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। और 1/2 गिलास पानी डाल के सबको मिक्स करके ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तब तक मैं फ्राई पैन में पकौड़े तल लेती हूँ। मैं तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम करके छोटी छोटी हम गोली करके पकौड़े को हम तलेंगे। हम सारे पकौड़े को कढ़ाई में फ्राई पैन में डाल देंगे फ्रेंड्स। अब ग्रेवी की ओर देखते हैं फ्रेंड्स, बीच बीच में चलाते रहेंगे नीचे, नहीं तो कढ़ाई में हमारा ग्रेवी मसाला जल सकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सी ग्रेवी जल गई थी, जली नहीं थी, बस थोड़ी सी कढ़ाई में लग गई थी। मैं थोड़ी सी पानी डाल के 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। हम अब पकौड़े को देखते हैं, हमारा पकौड़े भी गोल्डन कलर का हो गया है बिल्कुल। हमारा पकौड़ा अब निकाल लेंगे फ्रेंड्स और सारे पकौड़े को ऐसे ही तल लेंगे। अब देखते हैं हम अपनी ग्रेवी, हमारा ग्रेवी बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। तेल रिलीज हो गया था, मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। 300 में पानी डाल के थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल के एक उबाल आने तक पकाया है। उसके बाद मैंने पकौड़े डालकर ढक के 1 मिनट के लिए हम फ्रेंड्स पका लेंगे। उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।